फोर लेन की जद में आ रही ओट कस्बे की 32 दुकानें खाली करवाने के लिए पुलिस फोर्स के साथ एसटीएम सदर ने कार्रवाई शुरू कर दी है, जिससे स्थानीय किराए पर दुकान चला रहे दुकानदारों में हड़कंप मच गया है। कार्रवाई रोक दो दर्जन दुकानदार अपनी व्यवस्था सुनाने डीसी के पास पहुंचे, लेकिन यहां भी उन्हें निराशा ही हाथ लगी। डीसी ने उन्हें अवगत करवाया कि ये कार्यवाही हाईकोर्ट के निर्देश पर हो रही है, जो कि प्रशासन को 22 नवंबर से पहले हाईकोर्ट में शपथ पत्र देना है कि उन्होंने पहले दिए निर्देश के तहत अवैध कब्जे हटाए या नहीं। डीसी की ओर से दी गई इस दलील से दुकानदारों को निराशा हाथ लगी और अब वे इस मामले को हाईकोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करने का विचार बना रहे हैं। दुकानदारों का कहना है कि लगभग 25 साल तक दुकान करने के बाद हमें अब अवैध करार दिया जा रहा है। हमारी दुकानों का मालिक डीसी है, क्योंकि ये दुकानें बचत समिति की बनी हैं, जिसका हम नियमित किराया तहसीलदार ओट के पास जमा करवाते हैं, परंतु उनकी तरफ से कोई नोटिस तो नहीं दिया गया। लेकिन एनएचएआई ने दोपहर 12 बजे दुकानें खाली करने के निर्देश दे दिए, जिसके लिए ओट में उस समय दुकानदारों में हड़कंप मच गया जब पुलिस फोर्स लेकर दुकानों को खाली करने के लिए स्वयं एसटीएम पहुंच गए। दुकानदारों का कहना है कि हमारा परिवार इन्हीं बचत समिति की दुकानों से कमाई करने वाली आय से चलता है, लेकिन अब हमें सड़क पर लाकर प्रशासन व सरकार न्याय नहीं कर रही है। ओट के दुकानदारों का कहना है कि परिवार चलाने के लिए उन्हें अन्य फोर लेन प्रभावितों की तर्ज पर मुआवजा तक नहीं मिल रहा है। दुकानदारों की मांग है कि उन्हें भू अधिग्रहण कानून 2013 के तहत पुनर्वास व पुनर्स्थापन के तहत कहीं बसाया जाए और आजीविका कमाने के अवसर दिए जाएं, लेकिन प्रशासन ने राहत देने से साफ इनकार कर दिया है। हर महीने किराए लेने के लिए पूरा फोर्स पूरी ताकत के साथ ही लोग आते हैं, पूरे प्रेशर के साथ आते हैं। जब आज बारी आती है कि यहाँ फोर लाइन आ रही है और तुम एक घंटे के अंदर दो घंटे के अंदर दुकानें खाली करो, इस विषय में हम डीसी साहब से मिलने आए थे कि आप हमारे विषय में सोचो कि लोगों का ये जो हमारे दुकानदारों को इतना सारा नुकसान हो रहा है, कईयों ने कहीं से लेना भी है, कहीं ने देना भी है, ये एट अ टाइम लोग कहां जाएंगे। इस विषय में हम जब डीसी साहब से मिले तो डीसी साहब ने भी कानून का पाठ पढ़ाकर हमारी किसी भी हेल्प करने से इनकार कर दिया है। इसलिए हम आगे सोच रहे हैं कि इस विषय में क्या किया जाए, और डीसी साहब ने सीधे तौर पे कहा कि हम कानून के बंधे हुए हैं और हम तुम्हारी कोई भी हेल्प नहीं कर सकते हैं। हम 25 साल से ओट में दुकान खरीदारी करते हैं और हमें अचानक आज डीसी साहब ने हमारे को धोखे में धोखा दे दिया। हमारे को हम किराया देते हैं, सब कुछ देते हैं, कोई किराया ये नहीं हमारा, तो आज हम और आज हम घर से बेघर हो गए। न हमारे पास जो मकान है न दुकान है, हम सड़कों पर आ गए, हमारे बाल बच्चे वगैरह भूखे मर रहे की नौबत में आ गए। हम गुजारिश करते हैं कि हमें बसाया जाए, सरकार से बसाया जाए। बैंक ने भी हमको लोन तब दिया था कि आप, और हमने कर्जा लिया हुआ है, बहुत ज्यादा कर्जा लिया हुआ है उठाने के। अब 4 दिन रह गए, हम कहाँ जाएं, हम तो भूखे की इसमें आ गए।